Hello dear smart learners, a very warm welcome to your social studies class with your mentor Aparajita. And children, let's have a look on what we are going to start today, what we are going to read today. We are going to read chapter number 12 of our book Jelly Bean Journeys in Social Studies, class 4th by Brain Root series. And the chapter is Forests and Wildlife of India. इंडिया की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सम एंड सब्सटेंस. फॉरेस्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या है, उनके इम्पॉर्टेंस क्या है. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. देन वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. आर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड सेंचुरीज. तो आज हम ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे. रिट्रीव, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. नेम वन थिंग वी यूज दैट हैज़ द इमेज ऑफ आर नेशनल एनिमल. हमारा नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का. इट्स टाइगर. एंड एक चीज़ ऐसा जो कि हम, दैट हैज़ द इमेज ऑफ आर नेशनल एनिमल. हम एक चीज़ ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें कि हमारे नेशनल एनिमल का इमेज है. सो फाइंड इट आउट एंड वी स्टार्ट विद द चैप्टर फॉरेस्ट. अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, क्रीपर्स एंड ग्रासेस दैट ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशंस. फॉरेस्ट एक वो बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का जो कि कवर्ड होता है ट्रीज से. प्लांट्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं वहाँ, क्रीपर्स एंड ग्रासेस. और वो नेचुरल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, कोई जाके उनकी देखभाल नहीं करता है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर दीज ट्रीज टू ग्रो एंड फॉर्म अ फॉरेस्ट. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन ट्रीज को ग्रो करने में, एक जंगल बनने में. दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ. इन्हें अर्थ का लंग्स कहा जाता है. फॉरेस्ट कवर अबाउट 22% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया. इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो कितना कवर करते हैं लैंड, 22% ऑफ टोटल लैंड. अ फॉरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्क और एन एग्रीकल्चरल फील्ड वेयर वी प्लांट ट्रीज एंड क्रॉप्स. पार्क्स और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में तो ह्यूमन बींग्स प्लांट करते हैं ट्रीज और क्रॉप्स को, लेकिन फॉरेस्ट में ये नेचुरली ग्रो करते हैं. Interpretation: A tree can remove about 150 kg of carbon dioxide in a year. जो पेड़ हैं वो एक साल में 150 kg of carbon dioxide हटा सकते हैं एयर से. Importance of forest. क्या importance है forest की. Forest provide us with a number of valuable products. Soil erosion is prevented by forest as the roots of the trees hold the soil and prevent it from being washed away. अब soil erosion कैसे बचता है, कैसे कम करता है ये afforestation या जो forest होते हैं. जो trees होती हैं वो क्या करते हैं, उनके जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को, soil को पकड़ के रखती हैं, उसको बहने नहीं देती हैं. Forest improve the quality of soil and make it fertile. फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ वराइटी ऑफ एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स को ये शेल्टर प्रोवाइड करती है, उनका घर होता है रहने का, रहने की जगह होती है ये. द एनवायरमेंट रिमेन्स कूल एंड प्लेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट. ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर आर एग्जिस्टेंस. हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है जो कि हमें ट्रीज से मिलता है. Forests help in precipitation. See, this is precipitation. Now, some forest products और उनके uses क्या क्या हैं. Timber. Timber is used for building houses and furniture. Then firewood. Firewood as fuel. हम जलाने के काम लेते हैं firewood को. Wood pulp, making paper. Rubber, gum, cork and resin. Paints and other items. Herbs, medicines. Interpretation: The plants of a particular region are called flora and the animals of that region are called fauna. Flora और fauna क्या होता है, जो किसी area के जो plants होते हैं
उस पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं, वो मिलके बनते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल्स होते हैं उस रीजन के उन्हें कहा जाता है फौना। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, द काइंड्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द, अब वहाँ फॉरेस्ट में जिस तरह के पेड़ उगते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सॉइल, देन क्लाइमेट एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस। एक जगह की सॉइल कैसी है, उस जगह की क्लाइमेट कैसा है और उसका फिजिकल फीचर कैसा है। इंडिया हैज़ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स। वी हैव अर्लियर ऑल्सो रेड कि इंडिया का जो लैंड फॉर्म्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। डाइवर्स लैंड फॉर्म्स, सॉइल एंड क्लाइमेट, ये तीनों चीज़ें बहुत डाइवर्स हैं। देयरफॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, इसलिए यहाँ अलग अलग तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन मीन्स पूरे साल ये ग्रीन रहते हैं। दिस इज बिकॉज ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट डू नॉट लूज देयर लीव्स ऑल वंस। यहाँ के जो पेड़ होते हैं इनके पत्ते नहीं गिरते हैं। दीज आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज वेयर देर इज हैवी रेनफॉल। दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन जगहों पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा ट्रीज ग्रीन रहते हैं। रोजवुड, एबोनी एंड महोगनी आर सम ट्रीज दैट आर फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कुछ ट्रीज हैं जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन आता है तब ट्रीज के पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं। सी दीज आर द डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के फुट हिल्स पर ऐसे ये फॉरेस्ट होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। इन द वेट पार्ट्स ऑफ कहाँ कहाँ, डेक्कन प्लेट्यू, झारखंड, बिहार एंड ओडिशा। Trees such as teak, sal, shisham, simal, bamboo and sandalwood are found here. ये कुछ trees हैं जो यहाँ deciduous forest में grow करते हैं। Thorny forests, areas that are dry and receive very little rainfall, जो areas बिल्कुल dry होते हैं और बहुत कम rainfall होती है वहाँ पे, have thorny forest। ऐसे जगहों पे thorny forest उगते हैं। The trees have long roots। अब यहाँ के trees कि क्या क्वालिटी है, कैसे होते हैं वो, उनके लंबे रूट्स होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं। थिक बार्क, शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स। दे कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर फॉर मंथ्स। बहुत कम पानी में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं महीनों तक। दीज फॉरेस्ट आर जनरली फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड इन द ड्राई एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इन सब जगहों पे ये थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं। ट्रीज लाइक, अब यहाँ पे ट्रीज कौन से उगते हैं, ट्रीज लाइक कीकर, बबूल एंड डेट पाम आर फाउंड हियर। देखिए जैसे थॉर्नी बोला ही जाता है, नाम से ही पता चल रहा है उसमें थॉर्न्स होते हैं, कांटे वाले होते हैं ये। माउंटेन फॉरेस्ट, फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज आर टॉल एंड कोन शेप्ड, कोन की शेप होती है, विथ नीडल लाइक लीव्स, और इसकी जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं वो बिल्कुल सुई की तरह होते हैं। दीज आर माउंटेन फॉरेस्ट। द स्नो कवर्ड पीक्स डू नॉट हैव एनी वेजिटेशन। जो स्नो कवर्ड, जहाँ पे बर्फ होती है, वहाँ पे किसी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं होती। These forests are found in Himalayan region and parts of Nilgiris. The main trees are found here. The main trees यहाँ होते हैं वो हैं fir, deodar, spruce and pine. Next is the mangrove forest. Mangrove forests are also known as tidal forests. इनको tidal forest भी कहा जाता है. The roots of the trees grow above the ground and they have hardwood. इनके जो रूट्स होते हैं ट्रीज़ के वो ग्राउंड से ऊपर उगते हैं और इनका वुड बहुत हार्ड होता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड, अब ये कहाँ मिलते हैं ये वाले फॉरेस्ट, दीज आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी एंड गोदावरी। दीज आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन दीज फॉरेस्ट सुंदरी इज द कॉमन ट्री, सो दिस एरिया इज कॉल्ड सुंदरबंस। यहाँ पे एक
कॉमन ट्री होता है जिसको कहा जाता है सुंदरी, इसलिए इस जगह का नाम, इस एरिया को सुंदरबंस भी कहा जाता है। नाउ कम्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाया कैसे जाए, कंजर्व कैसे किया जाए। द फॉरेस्ट ऑफ आर कंट्री आर अंडर थ्रेट बिकॉज ट्रीज आर बीइंग कट डाउन इन लार्ज नंबर्स, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। हमारे जो फॉरेस्ट है, हमारी कंट्री के जो फॉरेस्ट हैं, वो बहुत डेंजर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर पे ट्रीज काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसे कि डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी दैट वी कंजर्व आर फॉरेस्ट विच आर यूजफुल टू अस इन सो मेनी वेज। इतने अलग अलग तरीके से ये फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल हैं और इन्हें हमें बचाना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अ न्यू एरिया इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। किसी नई जगह पे पेड़ लगाना, उसको कहा जाता है एफॉरेस्टेशन। एंड द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ डिफॉरेस्टेड लैंड नोन एज रिफॉरेस्टेशन कैन प्रूव वेरी हेल्प। और जो लैंड डिफॉरेस्ट कर दिए गए, मतलब जहाँ पे पेड़ काट दिए गए हैं, वहाँ पे दोबारा से पेड़ लगाने को रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, और ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है टू कंजर्व द फॉरेस्ट। द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, चांदी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी इन 1974 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। द विलेजर्स ऑन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड हग्ड ट्रीज टू स्टॉप वुड कटर्स फ्रॉम चॉपिंग देम डाउन। और विलेजर्स जो थे, जो गांव वाले थे, वो क्या करते थे, उत्तराखंड के जो गांव वाले थे, वो ट्री पेड़ को पकड़ लेते थे, हग कर लेते थे, जिससे कि वुड कटर्स उस पेड़ को न काटें। सी दिस इज द चिपको मूवमेंट, इन दिस वे दे जस्ट स्टूड अराउंड द ट्री टू स्टॉप द वुड कटर्स। इंटरप्रिटेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू प्रोटेक्ट द प्लांट ट्रीज एंड प्रोटेक्ट सॉरी रिपीटिंग अगेन इंटरप्रिटेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव to protect and plant trees. Now the wildlife in India ka wildlife padhte hain. All animals, birds and insects that live in their natural habitat or in the forest are known as wildlife. Jitne bhi animals, birds ya insects jo apne natural habitat ya kisi forest mein rehte hain, unhe kaha jata hai wildlife. That is known as wildlife. India has a large variety of wildlife. A large variety of fish, water birds and reptiles are found in India's rivers. Rivers or lakes mein fish, water birds or reptiles alag alag variety ke milte hain, large number mein. A variety of animals are found in forests of India. India is famous for its Asiatic lions found in the Gir forest in Gujarat. Gujarat ke Gir forest mein एशियाटिक लायंस मिलते हैं, जो कि बहुत फेमस है इंडिया में। द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबंस है, वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। सी दिस इज द रॉयल बंगाल टाइगर इन सुंदरबंस। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोज इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, इंडिया। Now, conservation of wildlife. Deforestation is destroying the natural habitat of animals. इस deforestation के कारण जो natural habitat है animals का, वो खत्म होता जा रहा है. Human beings illegally hunt and kill animals for their skin, fur, horns and tusk. लोग क्या करते हैं, illegally, legally तो allowed नहीं है, illegally वो hunt करते हैं, किसके लिए, एनिमल्स को मारते हैं किसके लिए, उनके फर के लिए, उनके स्किन, हॉर्न्स और टस्क के लिए। इन द पास्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर आल्सो हंटेड फॉर प्लेजर, पहले प्लेजर के लिए इन्हें हंट किया जाता था। एज अ रिजल्ट मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और इसी कारण बहुत सारे एनिमल्स हैं वो गायब हो चुके हैं, उनकी प्रजातियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। देर आर सम एनिमल्स हुज नंबर्स हैव रिड्यूस्ड सो मच दैट दे माइट सून डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके कि नंबर बहुत इतना कम हो चुका है कि कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे अर्थ पे।
दीज आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है. दो नाउ डेज हंटिंग हैज़ बीन मेड इलीगल, एनिमल्स आर स्टिल नॉट सेफ फ्रॉम पोचर्स. Now, interpretation, there are many ongoing projects where AI, artificial intelligence, is used for the forest management, especially to keep track on illegal activity, efficient data management about the endangered species, etc. अब बहुत सारे projects चल रहे हैं इनको बचाने के लिए और AI के through forest management किया जा सकता है, especially वो track रखा जा सकता है कि कहाँ कहाँ illegal activities हो रही हैं forest में. Our national parks and wild sanctuaries. In order to protect wildlife, the government has set up a number of national parks and wildlife sanctuaries. अब इस wildlife को protect करने के लिए, बचाने के लिए government ने बहुत सारे national parks और wildlife sanctuaries बनाई हैं. Jim Corbett National Park in Uttarakhand. अब देखिए कौन कौन से parks और sanctuaries हैं. Kanha National Park in Madhya Pradesh. Gir Wildlife Sanctuary in Gujarat, Sundarbans in West Bengal, Periyar in Kerala, Kaziranga and Manas National Park in Assam, Sariska and Ranthambore National Park and Keolado National Park, earlier known as Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan, are some of the famous examples. Many animals such as Asiatic lions, Bengal tigers, snow leopards, wild asses, elephants, rhinos, rhinoceros, nilgai and chinkara are protected in these places from being hunted and killed. इन सब animals को इन सब जगहों पर सुरक्षित रखा गया है जिससे कि कोई इनको इनकी hunting ना कर सके. See, this is the lion, this is the Bengal tiger, wild ass, rhinoceros and chinkara. Fine? Now let's read the catalog, children. Extinct, an animal or plant that no longer exists. वो animal या plant जो अब दिखाई नहीं देते हैं. Illegal, not allowed by the law. Mangrove, trees with roots above ground found in tidal forest region. Poacher, someone who illegally catches or kills animals, birds or fish on someone else's property. और precipitation क्या होता है? Rainfall or snowfall that falls on earth's surface. That is known as precipitation. Now a look over to this chapter. Forests are called the lungs of earth. क्या कहा जाता है forest को? Lungs of earth. Five types of forests are found in our country. Evergreen, deciduous, thorny, mountain, mangrove. Trees and plants in forests give us many things that we require for daily needs. India has a large variety of wildlife. Many wild animals have become extinct because of illegal hunting and clearing of forests. And Keolado National Park is famous for spoonbill storks. Keolado National Park is ke liye famous hai spoonbill storks ke liye. Now let's do the estimation corner here. Choose the correct options. Sal, teak and shisham are the important trees of which type of forest? कौन सा forest famous है sal, teak और shisham के लिए? Evergreen, deciduous, coniferous, thorny. It's the deciduous forest. Dash forests are green throughout the year. Evergreen, thorny, mountain, coniferous. It's the evergreen forest. Mangrove forests are also known as. Mangrove forest का एक और नाम क्या है? Evergreen forest, thorny forest, mountain forest, tidal forest. They are the tidal forests. Kaziranga National Park is situated in Madhya Pradesh, West Bengal, Assam, China. It's in Assam. Sundarbans are famous for lion, langur, bear, Royal Bengal tiger. They are famous for Royal Bengal tiger. Now children, let's do the fill in the blanks. Another name for the deciduous forest is dash forest. एक और नाम क्या है deciduous forest का? Monsoon forest. They are also known as monsoon forest. India has diverse landforms, dash and dash. Diverse landform, diverse soil and climate.
okay? Kicker and date palms are found in dash forest, thorny forest, thorny forest. The Chipko movement was started by, kisne start kiya tha Chipko movement? It was started by Sundarlal Bahuguna. Sundarlal Bahuguna. Mountain forests have dash trees. They have tall trees. State whether the following statements are true or false. Ebony is found in evergreen forest. Yes, true. Forests pollute the environment around us. Kya forest hamare charon taraf ke environment ko pollute karte hain? No, this is false. Pine and fir trees are mostly found in coniferous forest. Yes, true. Kanha National Park is situated in Gujarat. No, this is false. Forest is a natural resource. Yes, this is true. So, write down T here. Okay. Now, next is differentiate between the following. आपको दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है. अभी आपने पढ़ा है. ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड इन द चैप्टर. सो डेसिडियस फॉरेस्ट एंड थॉर्नी फॉरेस्ट. अभी हमने डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, थॉर्नी फॉरेस्ट के भी बारे में पढ़ा. तो अभी आप क्या करेंगे, दोबारा से इसको रीड करेंगे एंड देन डिफ्रेंशिएट. राइट डाउन द डिफ्रेंशिएशन हियर. एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. फाइन. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. Name a few animals India is famous for. Endangered animals are those animals that are left in less quantity on the earth now and after some time they'll be extinct. They'll not be seen more. Name a few animals India is famous for. India is famous for one-horned rhino, then the Royal Bengal tiger, Asiatic lions and many more. How can we conserve wildlife? Wildlife ko kaise bachaya ja sakta hai? We have just read. Write it down. Name at least 5 wildlife sanctuaries and national parks of India. Also mention the state where they are located. अभी आपने पढ़ा है कितने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पार्क्स हैं इंडिया में, जिनको कि जहाँ पे कि ये सब जो स्पीशीज़ हैं इनको सेव किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है आगे हंटिंग से. आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन्स. येस, द फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन्स. एंड हाउ. Write it down, children. Describe the characteristics of coniferous forest. Coniferous forest क्या होते हैं, वहाँ पे trees किस तरह के grow करते हैं, वहाँ का weather कैसा होता है, and what are the examples there of coniferous forest. Just read and then write down the answer here. Fine, children. So, thanks for watching this video and I hope you have learnt many things about the forests of India. So, we'll meet again with a new chapter, something more interesting, something more to learn. Till then, be happy and keep learning. Bye.